जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रेन अपने ट्रैक को कैसे चेंज कर लेती है। किसी स्टेशन पर जब दो दो एक्सप्रेस ट्रेनें एक साथ पहुंचती हैं और एक लेट से है एक टाइमली चल रही है, तो स्टेशन मास्टर पहले किस ट्रेन को छोड़ेगा। और साथ ही आप देखे होंगे कि जब ट्रेन क्रॉस करती है तो एक बाएं हाथ में हरा झंडा लेकर क्यों दिखाया जाता है। देखिए, जो लोहे की पटरी गई है ना, उसको हम लोग कहते हैं रेल, और इस रेल पे चलने वाली गाड़ी को कहते हैं रेलगाड़ी। अब ये रेल को ऐसे ही बिछा देंगे तो धंस जाएगा, तो इसको आप पढ़े होंगे कि एरिया बढ़ा दीजिए तो प्रेशर कम लगता है, तो एरिया बढ़ाने के लिए इसके नीचे स्लीपर बिछाते हैं। पहले ये स्लीपर लकड़ी के हुआ करते थे, लेकिन बरसात में वो सड़ जाते थे, तो बाद में सीमेंट के स्लीपर को लाया गया। तो ये बीच में जो बिछाए गए स्लीपर है, एक रेलवे में जो ट्रेन में स्लीपर होता है सोने वाला, वो अलग है, ये लोहे का हो गया रेल, ये स्लीपर। रेल और स्लीपर को आपस में जोड़े रखने के लिए हम यहां पर एक क्लिप का प्रयोग करते हैं, जो इस तरह से राउंड शेप में घुसा हुआ है, और क्लिप को फास्टनिंग द्वारा कस दिया जाता है। तो ये फास्टनिंग डिवाइस हो गया। रेल ट्रैक के किनारे बड़े बड़े पत्थर बिछा दिया जाता है, इन पत्थरों को हम बैलेस्ट कहते हैं। ये पत्थर कई रीजन से बिछाए जाते हैं, क्योंकि आप ट्रैक को तो ऐसे बिछा दिए हैं, लेकिन उसमें मजबूती कहाँ है, कहीं से बांधे हैं उसको, कहीं से सीमेंट से ढलैया किए हैं, नहीं, तो वो इधर उधर पूरा ट्रैक ही इधर से उधर हो जाएगा ट्रेन के लोड से, इसलिए वो इधर उधर ना घस के हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक पर पत्थर बिछा देते हैं ताकि उसको एक जगह सेफ मिल सके। साथ ही पत्थर बिछा देने से ट्रैक के नीचे की मिट्टी बरसात में खिसक के नहीं निकलती है, वरना दुर्घटना हो जाएगा। बैलेस्ट बिछा देने से इस ट्रैक पर जंगल झाड़ घास वगैरह भी नहीं निकलते हैं, लेकिन यह बैलेस्ट जो होता है ट्रेन की दबाव से नीचे से फूटने लगता है, जिसे बार बार मेंटेनेंस की जरूरत होती है। बैलेस्ट पर आप 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा ट्रेन को नहीं ले जा सकते हैं, वरना बैलेस्ट कंपन करके हट जाएगा, ट्रैक से दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसलिए इस बैलेस्ट की जगह पर हम कंक्रीट बैलेस्ट का प्रयोग करते हैं, पूरे सीमेंट की ढलैया कर देते हैं, और उसी में ट्रेन को क्लिप फास्टनर से रेल को कस देते हैं। बुलेट ट्रेन चलाने के लिए आपको इसी कंक्रीट बैलेस्ट की जरूरत पड़ेगी, इस ट्रैक पर बुलेट ट्रेन ले ही नहीं जा सकते हैं। देखिए, रेलवे में जो हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं वो मेन लाइन के थ्रू जाते हैं, ये मेन लाइन सीधे गई रहती है, लेकिन जब स्टेशन पे ट्रेन आती है तो ये कई सारे लूप लाइन के थ्रू आती है। इस लूप लाइन पे हम आराम से चढ़ सकें, इसलिए इसके किनारे प्लेटफॉर्म बना दिए जाते हैं। तो मेन लाइन से जहां लूप लाइन चालू होता है उसे हम कहते हैं स्टेशन सेक्शन, यहां की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की होती है, और इसके बाहर जब मेन लाइन चला जाता है उसे कहते हैं ब्लॉक सेक्शन। उसके ट्रेन किधर गई ये स्टेशन मास्टर को नहीं पता है, ये कंट्रोलर को पता होता है। कंट्रोलर ट्रेन को ले आता है ब्लॉक सेक्शन से मेन लाइन के थ्रू, और यहां पर स्टेशन मास्टर को हैंडओवर कर देता है कि तुम अपने हिसाब से प्लेटफॉर्म देखो कौन सा लूप लाइन खाली है और वहां ट्रेन को ले लो। तब स्टेशन मास्टर पॉइंट मशीन द्वारा इसके ट्रैक को चेंज करता है, कैसे पटरी चेंज करता है उसे अपने प्लेटफॉर्म पर लेता है। देखिए, यहां लूप लाइन में एक खतरा हो सकता है, मान लिया कि यह मेन लाइन है, इस मेन लाइन से कोई ट्रेन आई है और इधर लूप लाइन में गई, लूप लाइन में गई और ये जो इसका ड्राइवर है ये पहले ही रोक दिया थोड़ा आगे अपने हिसाब से कि भैया हम रोक दिए, और ये ट्रेन लंबी होने के वजह से इसका पिछला हिस्सा अभी मेन लाइन पर ही है। अब आप बताइए, इसका पिछला हिस्सा मेन लाइन पर है और आगे से कोई ट्रेन आ रही है, स्टेशन मास्टर उसको कहा कि भाई तुम्हारा स्टॉपेज यहाँ नहीं है, तुम सुपर फास्ट हो, निकलो यहाँ से, तो ये यहाँ से आएगी और धड़ाक से इसके पिछला हिस्सा को मार के तोड़ के निकल जाएगी। तो इसको जरूरी है कि कोई भी ट्रेन प्रॉपरली लूप लाइन के अंदर घुस के स्टेशन सेक्शन पर खड़ी रहे, न कि मेन लाइन पर खड़ी रहे। तो इसकी पहचान कैसे किया जाएगा, तो गार्ड इसकी पहचान करता है। गार्ड को कैसे पता चलेगा कि हाँ भैया हम प्रॉपर स्टेशन पे घुस चुके हैं, तो इसके लिए वहां एक FM लिखा रहता है, जिसे हम कहते हैं फॉलिंग मार्क। आप देखे होंगे ट्रेन के ट्रैक के किनारे, तो जो गार्ड का डिब्बा है वो इस FM के अंदर रहना चाहिए। अगर इस FM के बाहर है तो समझ जाइए उस ससुरा लूप सेक्शन पे नहीं है, वो मेन लाइन पे है, और कोई ना आगे पीछे आके इनको तूर के चल जाएगा। कभी कभी आप देखे होंगे कि ड्राइवर जो होता है ना ट्रेन का, वो पहले ही ब्रेक लगा देता है और गार्ड से कहता है चेक करिए तो क्या है, तो गार्ड देखता है FM किधर है, देखते अरे ससुरा FM तो अभी आगे है, कहता है आगे ले आगे ले आगे ले, अभी ठोक देगा कोनो पीछे से ले आके। तो ड्राइवर जो होता है ना फिर ट्रेन को थोड़ा दूर चला के रोक देता है, तो प्लेटफॉर्म के लोग घबरा जाते हैं, ये माई चला दिलो रे, अरे भाई वो अभी एडजस्ट कर रहा है। देखिए, जब कोई ट्रेन क्रॉस करती है स्टेशन से, तो स्टेशन पर एक फ्लैगमैन होता है जो बाएं हाथ में ग्रीन झंडा को लेकर उस ट्रेन को देखते रहता है कि कहीं इसमें कोई खराबी तो नहीं है, कुछ चक्के वगैरह में फॉल्ट या कोई आवाज तो नहीं आ रहा। अगर आवाज आएगा तो दाहिने हाथ से तुरंत लाल झंडा दिखा देगा। अब आप कहिएगा ड्राइवर बा तो चल गया हरियर का देख के, अब रोकेगा कौन, तो पिछुआ से गार्ड आ रहा है, वो कहेगा नहीं ससुरा कहीं कहीं तो लाल दिखा रहा है, इसका मतलब इसको कुछ गड़बड़ी दिखा है। तुरंत वॉकी टॉकी पे फोन करेगा, ए मिश्रा जी रोकिए रोकिए महाराज, कुछ गड़बड़ी है, वो लाल दिखा रहा है। आप भी ट्रेन को लाल झंडा दिखा रोक सकते हैं, लेकिन जैसे आप ट्रेन को रोकिएगा GRP आपको पकड़ के कारण पूछेगी, और अगर कारण अच्छा नहीं रहा ना तो जेल में डाल देगी आपको। इसलिए बिना उपयुक्त कारण के जब तक ट्रेन में कोई गड़बड़ी ना दिखे आप ट्रेन को नहीं रोक सकते। रात के समय आप देखिएगा, रात के समय ट्रेन पे किनारे जब स्टेशन पे घुसती है तो नीचे दो ट्यूबलाइट लगाए रहता है, एक आदमी टॉर्च से देखते रहता है कि इसके जो बॉगी है चक्के में इसमें सब ठीक ठाक तो है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है।
ट्रेन से ज्यादा सिक्योरिटी तो हमको रेल की रखनी पड़ती है कि ससुरा रेल ट्रैक हुआ ठीक है कि नहीं है तो सबको उलाट देगा। तो रेल ट्रैक के अंदर आई कुछ भी गड़बड़ी या क्रैक का पता लगाने के लिए हम अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर नामक मशीन का प्रयोग करते हैं। ये इस ट्रैक में अल्ट्रासाउंड मशीनों को तरंगों को भेजती है और अगर उस तरंग 100% वापस नहीं आते हैं, किसी क्रैक से निकल जाते हैं, तो समझ जाता है कि भैया यहाँ ट्रैक में गड़बड़ी है, उसको चेंज करके निकाल दिया जाता है। आप इस तरह से देखे होंगे ट्रैक पर घुमाते हुए ऐसे छोटी मशीनों को। देखिए हम लोग के यहाँ डबल रेल ही चलती है, दो ठो ट्रैक होती है, लेकिन यूरोप वगैरह में अन्य देशों में थर्ड रेल भी होती है। थर्ड रेल क्या होता है, दो रेल पर तो ट्रेन के चक्के दौड़ रहे होते हैं और एक रेल पर बिजली की सप्लाई दी गई रहती है और वहां से वो बिजली ले रहा होता है। आप यहां देखिए ये थर्ड रेल से अपनी बिजली ले रहा है। ये सुरक्षित नहीं माना जाता है, कोई चढ़ गया तो मरिए जाएगा ससुराल, लेकिन इसका प्रयोग हम सुरंगों में करते हैं। मान लिया कि सुरंग में ऊपर तक जगह नहीं है, ऊपर से OHE ले जाने का, तो थर्ड रेल से हम उसको बिजली देकर ले जा सकते। देखिए ट्रेन का जो चक्का होता है वो अंदर से ट्रैक को पकड़ के चलता है, अंदर से पकड़ा रहता है, तो जरूरी है कि अंदर का एरिया ट्रैक का खाली रहे, कोई कचरा ना जाए। तो जब सड़क को क्रॉस करते हैं ना रेलवे लाइन से, तो सड़क बीच में भी भर दिया जाता है। तो मान लिया कि आपने बीच में सड़क भर दिया, तो ये इसका सीमेंट अंदर भर जाएगा। अब अंदर भर जाएगा तो ट्रेन जो होता है वो अंदर से ही पकड़ कर चलता है, अंदर से पकड़ के चलेगा तो कंक्रीट में टकरा के उलट सकता है, इसलिए यहां पर एक ठो गार्ड रेल को जोड़ दिया जाता है। ये गार्ड रेल जो होता है कि किसी भी कचड़े को ट्रैक के पास नहीं आने देता है जहां रोड क्रॉस हुई रहती है। साथ ही ब्रिज पे भी ये भी आकार का गार्ड रेल आप देखिएगा, ये ब्रिज को जो एक्स्ट्रा मजबूती देने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि ब्रिज के नीचे जो जमीन नहीं रहती है तो एक्स्ट्रा मजबूती देने के लिए भी शेप का गार्ड रेल बना दिया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं गार्ड रेल। देखिए ट्रेन की जो पटरी होती है वो चेंज कैसे करती है, ट्रेन का जो चक्का होता है ना वो ट्रैक को अंदर से पकड़ कर चलता है। अब अंदर से पकड़ के चलेगा तो वो इस ट्रैक को, जैसे मान लीजिए कि इन दोनों ट्रैक को पकड़ा हुआ है, इसको पकड़ के चलेगा तो ये यहाँ अंदर से जाएगा, अंदर से जाने के बाद इसको पकड़ के इधर चला जाएगा, और अगर इन दोनों को पकड़ा है तो ये अंदर अंदर यहां से चला जाएगा। ट्रैक बाहर से नहीं बल्कि अंदर से पकड़ के चलते हैं। पहले इन ट्रैक को घुमाने के लिए एक ट्रैकमैन होता था जो इसको घुमाता था, पॉइंट मैन बोला जाता था उसको, और ये पॉइंट मैन जहां ज्यादा ट्रैक होते थे तो उसके लिए केबिन बना दिया जाता था। आज ये केबिन किसी काम के नहीं है, हालांकि बड़े स्टेशनों पे मालगाड़ियों के संटिंग के लिए इसका काम किया जाता है। आप इस तरह से देखे होंगे जैसे ट्रेन में घुसते होंगे स्टेशन के एरिया में तो आपको केबिन मिलता होगा, दोनों साइड में केबिन, पश्चिम केबिन, पूरब, इस तरह से लिखा रहता होगा। आज के समय में जो ट्रेन ट्रैक चेंज करती है वो एक पॉइंट मशीन द्वारा चेंज कर देती है। जैसे यहाँ देखिए एक मशीन होती है, ये जो स्विच पॉइंट होता है इस ट्रैक को आगे पीछे करके घुमा सकती है। आप यहाँ समझिए, फिर वीडियो में समझाते हैं। ट्रेन जो होता है उसका चक्का वो अंदर से पकड़ के चलता है ट्रैक को। अब यहाँ देखिए ट्रेन का चक्का ये अंदर की ओर एक्स्ट्रा निकला हुआ है इतना, तो ये जो होता है एक्स्ट्रा निकला हुआ ये अंदर से पकड़ लेता है ट्रैक को। अब देखिए ये ट्रैक जहाँ जाएगी ना वहीं ये ट्रेन जाएगा, ट्रेन में स्टेयरिंग नहीं होती है। ट्रेन का चक्का पटरी को अंदर से पकड़ लिया है, अब पटरी जिधर जाएगी ट्रेन उधर जाएगी। अब आप बताइए यहां से अगर इसको पकड़े हुए हैं और यहां से इसको पकड़े हुए हैं अंदर से, तो आप बताइए यहां अंदर से पकड़ेगा तो ये वाली ट्रैक तो साइड में है, इसको तो पकड़ ही नहीं पाएगा, तो ये सीधे निकलेगा इस ट्रैक के थ्रू यहां से सीधे, और यहां देखिए यहां आ गया है तो ये अंदर से इधर वाली ट्रैक को पकड़ लेगा और इधर वाली ट्रैक को पकड़ के ये इधर से घूम जाएगा, समझ में आया। लेकिन अगर वही हिस्सा अगर हम कहेंगे इसमें कि अगर हम इसका पॉइंट चेंज कर दे, इसको उधर सटा दे, तो ये वाला इधर से हट जाएगा तो ये इधर चला जाएगा और ये वाला इस ट्रैक पर आ जाएगा। देखिए ये रेल जो है ये अंदर से ट्रैक को पकड़े हुए है, अब आप बताइए ये इस ट्रैक को पकड़े हुए है और ये वाली जो ट्रैक है पतली सी ये इस ट्रैक के टच में ही नहीं है, तो ये सीधे आएगी इस ट्रैक के निकल जाएगी। अब यहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा तो चक्का अंदर से पकड़ता है तो अंदर से पकड़ेगा तो इस यहाँ तक तो इसको पकड़ के आएगा, लेकिन इसके बाद ये इस ट्रैक को पकड़ लेगा और ये इससे चला जाएगा आगे की ओर सीधे। आगे जाने के बाद देखिएगा यहाँ एक नोकीली आकृति मिलती है, ये दोनों तरह की ट्रेनों को अपने ऊपर लेके जाने देता है, तो इस कोना को हम फ्रॉग या नोज कहते हैं। यहाँ से ये ट्रेन इधर जाएगी, इधर जाएगी तो भी इस कोना को टच करेगी और इधर आएगी तो भी इस कोना को टच करेगी, इस टच करने वाले को हम क्या कहते हैं, नोज या फ्रॉग कहते हैं। और ये ट्रैक जो इधर उधर हो जाता है इसे हम स्विच पॉइंट कहते हैं। पहले इसे मैकेनिकली किया जाता था, उसे पॉइंट मैन कहते थे, अभी ये तो पूरी तरह से मशीन से हो जाता है। ध्यान दीजिए ये ट्रेन आ रही है और ये सीधे चली जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये जो पॉइंट स्विच था ये इधर था, अब जैसे ये इधर चिपक गया अब ये इस साइड में ट्रेन घूम जाएगी, लेकिन ये कॉमन फ्रॉक से गुजरेगी, कॉमन नोज से। इस तरह से ये ट्रेन को ट्रैक को चेंज किया जाता है। अब जैसे ये यहाँ से सीधे चली गई और अगर इसको इधर कर देंगे तो ये इधर से चली जाएगी,
देखिए अगर ट्रेन इधर गई तो भी वो इस नोज से गुजरेगी यानी इस फ्रॉग से गुजरेगी, और अगर इस पॉइंट स्विच को हम उधर घुमा दिए तो ये इस ट्रैक को पकड़ के इधर आ जाएगी, उसके बाद भी इस वाले ये फ्रॉग से गुजरेगी, ये कॉमन होता है। देखिए ट्रेन में जब एक सिंगल लाइन होता है, मेन लाइन डबल ना होके एक ही सिंगल लाइन होता है, तो प्लेटफॉर्म से जब ट्रेन को छोड़ा जाता है तो बीच में एक ही ट्रेन को छोड़ सकते हैं क्योंकि बीच में डबल रास्ते नहीं है आने जाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में ट्रेन को क्रॉसिंग कराया जाता था, जैसे मान लीजिए आगे से कोई ट्रेन छोड़ दिया है तो किसी ट्रेन को आप स्टेशन पर रोक के रखिए जब तक कि वो आगे से क्रॉस ना कर जाए, तो इसे क्रॉसिंग कहते हैं, टेक्निकल भाषा में एग्जिंग कहते हैं। जैसे यहां देखिए ये ट्रेन खड़ी है यहां पर, इसको रोक के रखा गया जब तक कि ये मेन लाइन से ये वाली ट्रेन आगे से क्रॉस न कर जाए। जब किसी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़ा कराकर सिंगल लाइन के होने के वजह से आगे से क्रॉस करा दिया जाता है उसके बाद इसको भेजते हैं, तो इसे हम लोग एग्जिंग या क्रॉसिंग कहते हैं, टेक्निकल भाषा में एग्जिंग हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग। लेकिन आज के समय में डबल लाइन है, आने वाला रास्ता अलग है जाने वाला रास्ता अलग है, तो कोई ट्रेन सामने से आ रही है तो उसके लिए कोई रुकता ही नहीं है, बाईं वाली ट्रैक से चला जाएगा इधर वाला, उधर से आ जाएगा वो, तो डबल ट्रैक होने से क्रॉसिंग होती ही नहीं है, डबल ट्रैक होने से प्रेसीडिंग होने लगती है। कैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेन आ गई, अब दोनों ट्रेनें एक साथ प्लेटफॉर्म पर आई हैं, अब स्टेशन मास्टर किसको छोड़ेगा, तो मान लीजिए एक पैसेंजर है एक सुपर फास्ट है, तो पहले सुपर फास्ट को छोड़ देगा। सुपर फास्ट को ज्यादा वैल्यू दिया गया तो किसी चीज को ज्यादा वैल्यू देना प्रोसीडिंग कहलाता है, तो इसको क्या कहते हैं प्रोसीडिंग, मतलब एक कम वैल्यू की ट्रेन को रोककर एक ज्यादा वैल्यू की ट्रेन को पीछे से क्रॉस करा दीजिए तो इसे प्रेसीडिंग कहते हैं। लेकिन क्या होगा जब सेम कैटेगरी की ट्रेन, जैसे मान लीजिए दो सुपर फास्ट एक साथ पहुंच जाए, अब इसमें किसको प्रेसीडिंग दीजिएगा भैया, कौन जाएगा पहले, तो इसमें जरूर कोई ना कोई लेट होगी। तो इंडियन रेलवे का हिसाब है कि लेट ट्रेनों का हिसाब रखना है कि किस स्टेशन पे कितना मिनट लेट हुई। अब मान लीजिए एक ट्रेन आई है वो भी सुपर फास्ट है, दूसरी वो भी सुपर फास्ट, लेकिन एक लेट है, तो उस ससुर का चार्ट अपने बनिए रहा है कि कहां कहां लेट हुई है, अब उसके चक्कर में दूसरों को लेट करिएगा तो इसका भी लिस्ट बनाना पड़ेगा। इसलिए अगर सेम टाइम पे पहुंच गई है या फिर जो लेट है वो पहले पहुंची है और जो टाइम से है वो बाद में आई है, तो क्या करेंगे, जो टाइम से आई है उसको क्या कर देंगे, प्रेसीडिंग कर देंगे, निकाल देंगे, भैया तुम निकल पहले क्योंकि तुम्हारा हिसाब किताब नहीं हो रहा है, तुम टाइम से है, अरे बकलोला लेट हो गया तू बाद में निकलियो। आई होप आप समझ गए होंगे ट्रैक के बारे में।